हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज मोर देन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं, जब उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव वन, 3 अल्टरनेटिव में से फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या होता है? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन, यानी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आया है उसे क्या किया जाए? रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे? एक एंट्री भी देखेंगे, साथ में इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेनली ये होता किसके साथ है? एप्लीकेशन ही ज़्यादा आता है तो एप्लीकेशन वाली एंट्री में ही सारा एडजस्टमेंट करना होता है। तो जब एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगर लमसम है तो एंड अलॉटमेंट भी लग जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्या होगा? इसको ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो क्या किया जाएगा? रिफंड कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो यहां पे पैसा कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, सेम ही अमाउंट यहां भी होगा और सेम ही अमाउंट आपका यहां भी होगा। ठीक, लेकिन शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ इशूड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, तो ये हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब इसके लिए एक क्वेश्चन भी दिया है। अच्छा, मेनली ये यूज कहां पे करते हैं? अगर लमसम पेबल है तो ये ज्यादा यूज हो जाता है। ठीक है, आसानी से इसको यूज कर लेते हैं वहां पे। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम इसमें, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स, यानी एक्स लिमिटेड ने कितना इशू किया था? 10,000 शेयर इशू किया था। ठीक है, और ये था कितने का? एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जो पैसा था वो एप्लीकेशन पे पेबल था, यानी कि क्या होगा? ये लंप सम पेबल है। ठीक, फिर इसके बाद दिया है द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2000। अब ये क्या हुआ? ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड बाई 2000 शेयर्स। अब एंट्री हमें पास करनी है। अमाउंट पेबल इसका कैसे है? लमसम पेबल है, तो लमसम पेबल की कंडीशन में एंट्री क्या होगी भाई? सबसे पहले तो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि एप्लीकेशन कितने का आएगा? 12, क्योंकि 10,000 कंपनी ने खुद इश्यू किया
और 2000 रुपीज से ज़्यादा हो गया एप्लीकेशन, यानी टोटल कितना एप्लीकेशन आया, 10,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 12,000। ठीक, तो यहाँ पे 12,000 हो गया, इनटू कितना मांगा है, 10 रुपीज मांगा है, तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, फिर इसके बाद जब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि फर्स्ट अल्टरनेटिव है, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या कहता है कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन आए हों आप उनको रिजेक्ट करिए और उनका पैसा रिफंड करिए। तो यहाँ पे तो आपका 12,000 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि 1,20,000। लेकिन शेयर कैपिटल में कितना आएगा, जितना कंपनी ने इशू किया है, 10,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपसे ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में मैक्सिमम लिमिट पूछ ले कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगी इशू करने की, तो वो इशूड शेयर के बराबर होगा, यानी कंपनी ने जितना शेयर इशू किया है उसके बराबर उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी या कैपेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखिए 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आया था, 10 रुपीज़ की रेट से मिला, तो 20,000 क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट अल्टरनेटिव। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने देखा ये एट पर की कंडीशन में देखा, अगर इसी में थोड़ा सा बढ़ा दें कि जैसे ये इशूड एट ₹10 ईच था, एट ₹10 प्रीमियम बोल दें कि ये किस पे इशू हुआ था, प्रीमियम पे इशू हुआ था, तब एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए अगला जो है इसी को हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं और इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जब इशू हुआ है किस पे, 10 रुपीज प्रीमियम बोल दिया, तो प्रीमियम पे अगर इशू हुआ तो विथ प्रीमियम पैसा भी मिलेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। लम सम है तो अलॉटमेंट भी लगा देंगे, इसके पहले वाले में भी यहाँ सब भी एप्लीकेशन के साथ आप एंड अलॉटमेंट लिख देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ओवर सब्सक्राइब 2000 से हुआ, यानी टोटल एप्लीकेशन 12,000 हुआ। लेकिन अब यहाँ पे जो इशू प्राइस होगा वो 10 रुपीज़ का तो जो है शेयर है, और 10 रुपीज़ प्रीमियम भी मांगा है, तो टोटल कितना हो गया इशू पे, 20 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से होगा, 20 से। अब ये कितना हो जाएगा, 2,40,000, कितना हो जाएगा, 2,40,000 हो जाएगा। अब इसके बाद जब सेकेंड एंट्री करेंगे इसको ट्रांसफर करने की, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जितना मिला था पूरा लिख लेंगे, 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अब यहां पे देखिए कि 10,000 कंपनी ने इशू किया, तो वो 10,000 का पैसा ही ट्रांसफर कर सकती है शेयर कैपिटल में, और वो भी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है, तो ये 1,00,000 रुपीज इसमें आ जाएगा। इसके बाद 10,000 शेयर पे 10 रुपीज प्रीमियम भी लिया था, तो ये भी कितना जाएगा, 1,00,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद जो एक्सेस एप्लीकेशन बचा, उस एक्सेस एप्लीकेशन को क्या करना है, वापस करना है, और एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया था, टू थाउजेंड, तो टू बैंक अकाउंट कितना आया था, 2,000, और इस पे कितना लिया, 20 रुपए लिया है, विथ प्रीमियम इनसे मिला था, तो विथ प्रीमियम इनका वापस भी होगा, तो
तो 40,000 रुपीज इनका रिफंड हो जाएगा। ओके, तो ये था अल्टरनेटिव वन। ठीक है, अब इसके बाद हम अल्टरनेटिव टू देखेंगे कि अल्टरनेटिव टू में कैसे क्या करना है, हमें कैसे एंट्री होती है और उसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अल्टरनेटिव टू में सबसे पहले देखिए एंट्री क्या करेंगे और कहता क्या है अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव टू। ये कहता है कि जो भी एक्सेस मनी मिला है, एक्सेस मनी मिला है उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट कहां पे करना है? टूवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल्स। ठीक, अलॉटमेंट या जो कॉल्स हैं उनमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे और कैसे एंट्री की जाएगी वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सपोज अगर लमसम पेबल है तो एंड अलॉटमेंट लगा देना है। क्या आएगा यहाँ पे? जितना सब एप्लीकेशन आया है और उसमें एप्लीकेशन मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे हम शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो एक्सेस मनी है उस एक्सेस मनी को रिफंड नहीं करना है, उसे आगे की कॉल में एडजस्ट करना है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल्स अकाउंट। अब ये जो शेयर कॉल्स है ये समझने के लिए आपके लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल पे एडजस्ट होगा तो कॉल इन एडवांस अकाउंट आपको लिखना है। शेयर कॉल इसलिए लिखा जिससे आपको पता हो कि कॉल पे एडजस्ट हुआ। अब ये तो हो गया एट पर की कंडीशन में। किस कंडीशन में? एट पर। अगर प्रीमियम होता तो फिर क्या करते? तो यहाँ पे देखिए एक्सेस मनी तो यहाँ पे चला गया है, एक्सेस मनी, ठीक है, और जो नॉमिनल था, ठीक है, नॉमिनल, और नॉमिनल वो भी किसका? इशूड का, जितना शेयर इशू किया था वो यहाँ पे आ गया। अगर प्रीमियम पे होता तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज करते, देखिएगा क्या होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे इसी के नीचे कर देते टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कितने का? जितना इशू किया होता सिर्फ उसी का प्रीमियम यहां पे आता, बाकी सबका विथ प्रीमियम यहां पे चला जाता और एडजस्ट हो जाता। ठीक है, तो अब हम एक अल्टरनेटिव थर्ड भी देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, इसका क्वेश्चन भी निपटा लें। तो पहले हम अल्टरनेटिव थर्ड भी देखेंगे कि थर्ड अल्टरनेटिव क्या है और कैसे होगा उसके लिए। तो अल्टरनेटिव थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव्स, यानी जो आपने फर्स्ट और सेकंड अल्टरनेटिव पढ़ा उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अल्टरनेटिव थर्ड। अब अल्टरनेटिव थर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव वन एंड टू, फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन। अब फर्स्ट क्या कहता है कि रिजेक्ट करके पैसा रिटर्न कर दो, रिजेक्ट करो पैसा, क्या करो? रिफंड करो। सेकंड अल्टरनेटिव क्या बोलता है कि जो एक्सेस मनी मिला है उसको आप एडजस्ट करो, कहाँ पे? अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स में आप एडजस्ट करो। तो अब इसका कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगी एंट्री? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे क्या आएगा?
नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। अब अगर एट एप्लीकेशन मनी क्या होगा, अगर एट पर पे इश्यू किया तो नॉमिनल हो जाएगा, अगर एट प्रीमियम पे इश्यू किया तो नॉमिनल के साथ साथ प्रीमियम भी जुड़ जाएगा, जुड़ के लिखा जाएगा नॉमिनल प्लस प्रीमियम। ठीक, फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही सेम अमाउंट यहां पे आएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर इनटू नॉमिनल वैल्यू। ठीक, इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर इनटू प्रीमियम। अगर प्रीमियम नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक टू शेयर कॉल, या जिसको हम क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अलॉटमेंट या कॉल पे एडजस्ट होगा, और यहां पे बैंक अकाउंट आ जाएगा। इन दोनों में एक्सेस मनी एडजस्टेड, जो मनी यहां पे एडजस्ट किया है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, जो एप्लीकेशन मनी रिफंड किया उसको इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं कि अलॉटमेंट कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, और वो एग्जांपल क्या होगा, देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि ए लिमिटेड कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 प्रीमियम, किस पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, ओके, फिर 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, ये आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। ठीक, एग्जांपल देखिएगा, ए लिमिटेड कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 प्रीमियम, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड देयर एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, एप्लीकेशन पे ₹3 मांगा है, अलॉटमेंट पे 5 मांगा और फर्स्ट एंड फाइनल पे बोला बैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंस कितना होगा, तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 3 मांगा, अलॉटमेंट पे 5 मांगा, लेकिन देखिए कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं दिया कि ये जो प्रीमियम था ये प्रीमियम किस पे मांगा गया, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो अलॉटमेंट पे मांगा गया, तो ये 3+2 होगा, ₹3 अलॉटमेंट का और ₹2 जो अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा,
तो बैलेंस कितना बचा, 336। तो बच कितना रहा है शेयर की नॉमिनल वैल्यू का, 4 रुपीज़। तो वो फर्स्ट एंड फाइनल पे होगा। यहाँ पे देखिए 5000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो अभी हमारे पास एप्लीकेशन कितना आया था, 40,000। इसमें से 5000 रिजेक्ट कर दिया तो बचा कितना हमारे पास, 35,000। इसका मतलब कि 35,000 एप्लीकेशन पे 30,000 शेयर अलॉट किया। ठीक, तो अलॉटमेंट अगर 30,000 शेयर का किया तो अभी भी तो 5,000 एक्स्ट्रा है हमारे पास एप्लीकेशन। यानी कि जिनको शेयर दिया जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उनके पैसे का क्या करना है, तो उन्हें आगे की कॉल जैसे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से बढ़ गया पैसा बच गया तो उसे कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री करते हैं इसकी क्या होगी। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी मिलेगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर कितना इशू किया, 40,000, और एप्लीकेशन पे मांगा कितना, 3 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे हम, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितना कंपनी ने अलॉट किया है। तो कंपनी ने कितना अलॉट किया, 30,000। कितना मांगा है, 3 रुपीज़ पर शेयर, ये हो जाएगा 90,000। इसके बाद 5,000 शेयर का एक्सेस मनी एडजस्ट होना है अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना, 30,000। इसके बाद 5,000 एप्लीकेशन का पैसा वापस भी करना है, तो 5,000 इंटू 3 वापस करेंगे तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना, सॉरी ये कितना है, 15, कितना हो जाएगा ये, 15,000 रुपीज़। फिर 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी वापस भी करना है, तो 2 बैंक अकाउंट, 5,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज़। ठीक, अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा और एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और देखिए इस पे प्रीमियम भी मांगा था, तो शॉर्ट में लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कंपनी ने जितना शेयर इशू किया था उसी का पैसा लिखा जाएगा। तो 30,000 शेयर अलॉट किया, मैक्सिमम इशू इतना ही है, ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में तो अलॉटेड भी यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30,000 इंटू 5, 1,50,000। इसके बाद शेयर कैपिटल में सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे, तो अभी नॉमिनल वैल्यू देखा था यहाँ पे कि कितना है, ठीक है, 3 + 2 = 3 नॉमिनल है और 2 क्या है, प्रीमियम। तो 3 ये हो जाएगा 90,000। और फिर इसके बाद 30,000 शेयर पे प्रीमियम कितना लिया, 2 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा, 60,000। अब जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो ये जो एक्सेस मनी हमने एडजस्ट किया था इसे यहाँ पे हम लेस करके लिखेंगे। तो 1,50,000 रुपीज ड्यू था और 15,000 रुपीज पहले से मिला था एप्लीकेशन पे जिसको हमें एडजस्ट करना है, तो कितना चाहिए, सिर्फ 1,35,000, और वही पैसा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एंट्री होगी, वहाँ पे तो सिर्फ एडजस्ट करने की एंट्री बताई गई थी, लेकिन आगे की कॉल में कैसे एडजस्ट करना है ये यहाँ पे है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी,
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना हो जाएगा भाई, कितना मांगा है बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना था 4 रुपीज था, तो 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए कितना था यहाँ पे 4 रुपीज, तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 30,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1,20,000 रुपीज, तो हो जाएगा 1,20,000। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, और फिर इसका पैसा पूरा रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। ओके, तो आई होप आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए हमें कैसे एंट्री करनी है और क्या एंट्री करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, और अंडर सब्सक्रिप्शन बहुत ही ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जैसे इशू किया कंपनी ने 50,000 शेयर, कितना 50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन जो आया, एप्लीकेशन कितना आया मान लीजिए कि 48,000 शेयर्स के लिए, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज लेस देन नंबर ऑफ इशूड शेयर, यानी कि जब एप्लीकेशन कम आएगा इशूड शेयर से तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और जो भी एंट्रीज होंगी, जितनी भी एंट्रीज करनी है वो एप्लीकेशन वाले शेयर पे ही किया जाएगा, यानी एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा 48,000 पे, मतलब रिसीव होगा ट्रांसफ़र करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा 48,000 पे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा 48,000 पे, फाइनल कॉल ड्यू होगा 48,000 पे। ठीक है, अब इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ओके, थैंक यू।